दन इंडिया, फंडामेंटल्स थे या टेक्निकल्स एट प्ले थे, क्यों लिया था? फंडामेंटल्स देख के लिया था क्योंकि एक साल में काफी इस कंपनी ने प्रोग्रेस की है। अभी अमेज़न में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में भी है, तो इस वजह से ये सब देख के लिया था। तो एक साल में काफी बढ़ चुका है, तो आई एम लिटिल स्केयर्ड कि अभी और बढ़ेगा या फिर क्योंकि ये एक हफ्ते से तो नीचे ही जा रहा है। तो ये अभी आपकी 58 की खरीद हाल फिलहाल की तेजी में हुई है क्या? जी, इतनी मैंने जल्दी पहले 35 पे लिया था। आपने सवाल उठा दिया, अभी तो कुछ ही दिन हुए रखे हुए, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था, प्रॉफिट पे बेच दिया, उसके बाद दोबारा लिया है अभी लास्ट मंथ। भाई शर्मिला, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कैसी है? यस, तो यू नो इट्स गुड टू नो कि उन्होंने लिया, थोड़ा प्रॉफिट में बेचा और फिर नए से लिया है, क्योंकि ये आपका बाइंग प्राइस थोड़ा मेरे हिसाब से ऊपर का बाइंग प्राइस है लुकिंग एट वैल्यूएशन। और लेकिन एक ही चीज है कि ये स्टॉक जो है वो पूरा मार्केट ही करेक्ट हुआ है, तो इस तरह के स्टॉक्स तो करेक्ट होने ही है जहां पर ज्यादा पैसा बनता हो, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ही ज्यादा ही है। और तो जाहिर सी बात है कि आई थिंक यू नो ये दिस करेक्शन इज इन लाइन विद व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, तो मेरे हिसाब से आप 58 के लिए जरूर बने रह सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे यही एक राय होगी कि आपको इस तरह की री एंट्री अगर आपको भी लेनी हो ना, तो ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ एवरेज इट डाउन। एकदम ही बढ़ रहा है स्टॉक तो आप ऊपर भी एवरेज कर सकते हो, दैट इज इन फैक्ट द बेस्ट। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर आप यू नो स्पेशली सिंस यू मूव्ड आउट ऑफ द स्टॉक विद प्रॉफिट, तो जब आप खरीद करें ना तो थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करें। यार मेरे तो दिमाग में आईटी कंपनी, ये विप्रो का बैकएंड है क्या वहां पे? विप्रो के नतीजे आ गए, लो विप्रो के नतीजे आ गए, सही उन्होंने एक आपको बड़ा हिंट दिया है कि नतीजे आ जाने वाले, आज आ जाने वाले। यस, ही हैज गिवन यू अ बिग हिंट। ये आज तो टेक महिंद्रा के हैं। मैं अभी ढूंढता सोचता।